अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। पहले इसकी फीमेल ब्रेस्ट एनाटॉमी देख लेंगे कि उसके अंदर चेस्ट वॉल, फिर रिब्स, पेक्टोरल मसल्स, लोब्यूल्स, एरोला, निपल्स, मिल्क डक्ट्स, एडिपोज टिश्यू एंड स्किन। डेफिनेशन, ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज एन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एपिथीलियल सेल्स विद इन द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर क्या है? ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एपिथीलियल सेल्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर। मायो एपिथीलियम इसके अंदर अनकंट्रोल्ड सेल इनकी जो कंट्रोल में नहीं होते, यानी रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं और कोई उनको रोकता नहीं, यानी कि अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही होती है इनकी ज़्यादा, और वो डक्ट में यानी कि उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, और इसमें डक्टल हाइपरप्लेशिया, ADS, DCIS और इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, ये सारे उनमें टाइप में आते हैं। इंसिडेंस क्या है इनका? द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज नोन टू बी रेज्ड हु स्टार्टेड मेंसेस एट एन अर्ली एज। अगर मेंसेस उसको अर्ली स्टेज में हो गया तो उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर वुमेन के अंदर, बट कैन ऑल्सो ऑन रेयर ओकेजन अफेक्ट मैन एज वेल, और ये मैन को भी रेयर ओकेजन में अफेक्ट कर सकता है। ब्रेस्ट कैंसर इज ऑल्सो द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ इन वुमेन आफ्टर लंग कैंसर। लंग कैंसर के बाद ये सेकेंड लीडिंग कॉज है डेथ का वुमेन का, एंड दिस इज लार्जली ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑफन टाइम्स ब्रेस्ट कैंसर डोंट कॉज एनी पेन और डिसकम्फर्ट अनटिल दे स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यू। और इसकी वजह ये है क्योंकि इसके कोई पेन या कोई डिस्कम्फर्ट शो नहीं करता जब तक कि दूसरे टिश्यूज़ में, नियर बाय टिश्यूज़ के अंदर नहीं चला जाता। ब्रेस्ट, द ब्रेस्ट आर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स दैट सिट ऑन द चेस्ट वॉल ऑन आइदर साइड ऑफ द ब्रेस्ट बोन। से ब्रेस्ट क्या है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं जो कि दोनों साइड ऑफ द चेस्ट पर होते हैं, और दे लाई ऑन टॉप ऑफ द रिब्स एंड द पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, एंड दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री मेन पार्ट्स। सही है, ये कि पेक्टोरल मसल्स के ऊपर होते हैं और इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ग्लैंडुलर टिशू, स्ट्रोमा एंड लिम्फेटिक टिशू। इन सारों को एक एक करके आगे देखते हैं। ग्लैंडुलर टिशू का है? द ग्लैंडुलर टिशू दैट मेक्स द मिल्क, ग्लैंडुलर टिशू क्या है जो कि मिल्क बनाता है, इज मेड अप ऑफ 15 to 20 लोब्यूल्स, एंड इनसाइड ईच ऑफ दीज लाई अ बंच ऑफ ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द अल्वोलाय। सही है, पहले तो ये क्या मिल्क बनाता है, सेकंड इसका 15 to 20 लोब्यूल्स होते हैं, और लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स स्ट्रक्चर होता है जो कि अल्वोलाय कहलाता है, विच आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स, जो कि स्वेट ग्लैंड्स होते हैं सराउंडेड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, मेड लार्जली ऑफ कोलेजन, कोलेजन से बने हुए होते हैं। द अल्वोलाय देयर्स अ लेयर ऑफ अल्वोलर सेल्स दैट सेक्रेट ब्रेस्ट मिल्क इनटू द ल्यूमेन विच इज़ द स्पेस इन द सेंटर ऑफ द ग्लैंड। सही, वो अल्वोलर सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? मिल्क सीक्रेट करते हैं ल्यूमेन के अंदर जो कि स्पेस है ग्लैंड के अंदर। रैपिंग अराउंड द अल्वोलस आर स्पेशल मायो एपिथीलियल सेल्स दैट स्क्वीजेस डाउन एंड पुश द मिल्क आउट ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द अल्वोलस डाउन द लैक्टिफेरस डक्ट्स एंड आउट ऑफ द पोर्स ऑफ द निप्पल। क्या करते हैं कि जब ये डाउन अल्वोलस वहाँ पे हो पाता है जो कि स्पेशलाइज्ड मायोपिथीलियल सेल्स होते हैं जो कि स्क्वीज़ करते हैं और उसको पुश करते हैं मिल्क को ल्यूमेन की तरफ, और ल्यूमेन से अल्वोलस की तरफ, और फिर उससे लैक्टोफेरस डक्ट में चले जाते हैं, और लैक्टोफेरस डक्ट से पोर्स में, और पोर्स से फिर निप्पल से बाहर। स्टोमा क्या है? नाउ सराउंडिंग द ग्लैंडुलर टिश्यू इज़ द स्टोमा, जो कि ग्लैंडुलर टिश्यू को सराउंड करता है वो स्ट्रोमा है, विच कंटेन्स एडिपोज और फैट टिश्यू, जो कि एडिपोज टिश्यू और फैट टिश्यू कंटेन करता है, एंड दिस मेक अप द मेजोरिटी ऑफ द ब्रेस्ट, और स्ट्रोमा मेजोरिटी ऑफ द ब्रेस्ट बनाता है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स कॉल्ड कॉपर्स लिगामेंट्स रन्स थ्रू द स्टोमा एंड हेल्प कीप इन इट प्लेस। सही है, कॉपर्स लिगामेंट क्या होते हैं कि उसको हेल्प मदद देते हैं कि उसको एक जगह पे रख सकें। दीज लिगामेंट्स अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट स्किन ऑन द ऑन वन एंड एंड द पेक्टोरलिस मसल्स ऑन द अदर। सही है, ये नहीं कि ये कैसे कनेक्ट करता है लिगामेंट्स इनर सरफेस ऑफ द ब्रेस्ट स्किन को और दूसरे एंड ऑफ द पेक्टोरलिस मेजर को,
किसके साथ कनेक्ट करता है, यानी कि ब्रेस्ट के, चेस्ट के साथ। लिम्फेटिक वेसल्स, जस्ट बिलो द स्किन ओवर द ब्रेस्ट देयर इज अ नेटवर्क ऑफ टाइनी लिम्फेटिक वेसल्स दैट ड्रेन द लिम्फ विच इज अ फ्लूइड कंटेनिंग सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। सही है, जस्ट बिलो द स्किन और ओवर द ब्रेस्ट क्या क्या पाया जाता है, टाइनी लिम्फेटिक वेसल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, फ्लूइड कंटेनिंग सेलुलर वेस्ट उनके अंदर होता है वाइट ब्लड सेल्स का। दीज लिम्फेटिक वेसल्स मेनली ड्रेन इन टू अ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इन द एक्जिला और द आर्म पेट। से ग्रुप बनाते हैं, मेनली उनका ग्रुप बना हुआ होता है नोड्स का, एक्जिला के अंदर और आर्म पेट के अंदर। नाउ द सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू हैव रिसेप्टर्स फॉर सर्टेन हॉर्मोन्स। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं उनके पास रिसेप्टर होते हैं किस चीज़ के लिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के लिए, विच आर रिलीज बाय ओवरीज, जो कि ओवरीज रिलीज करता है, एंड प्रोलैक्टिन विच रिलीज बाय पिच्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन क्यों रिलीज करता है, पिच्यूटरी ग्लैंड। दीज हार्मोन्स स्टिमुलेट द अल्वुलर सेल्स टू डिवाइड एंड इंक्रीज इन नंबर विच मेक द लोब्यूल इन लार्ज। सही, और ये हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं अल्वुलर सेल्स को ताकि वो डिवाइड हों और इंक्रीज इन नंबर हों, और जिसकी वजह से लोब्यूल इन लार्ज हो जाता है। विदाउट दीज हॉर्मोन्स द ग्लैंडुलर सेल्स पार्टिकुलरली द अल्वुलर सेल्स कैन नॉट सर्वाइव एंड अंडरगो एपोप्टोसिस विच इज़ प्रोग्राम सेल डेथ। अगर ये हॉर्मोन उनको ना मिले तो ग्लैंडुलर जो सेल्स होते हैं ये पार्टिकुलरली अल्वुलर सेक्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और उनकी एपोप्टोसिस हो जाती है, यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ। एक सी एग्जाम्पल हम लोग कैसे लेते हैं, आफ्टर मीनोपॉज, मीनोपॉज के बाद या एस्ट्रोजन प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है विच लीड टू द डेथ ऑफ द अल्वुलर सेल्स एंड ओवर टाइम दैट ब्रेस्ट टिश्यू गेट रिप्लेस बाय फैट टिश्यू। और इसी तरह जो कि ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो किससे रिमूव हो जाते हैं, फैट से। से हमारे ब्रेस्ट है, चेस्ट मसल्स, लोब्यूल्स, डक्ट्स, निपल्स, फैटी एसिड, लिप्स और हमें नोड्स एंड वेसल्स। टाइप्स हमारे पास इसकी दो हैं, इंट्राडक्टल ट्यूमर्स जो कि डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स इन इंट्रा डक्टल एपिथीलियम, इंट्राडक्टल एपिथीलियम में जो ट्यूमर बन जाते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव क्या होता है, कैंसर रिमेन इन अ पार्टिकुलर लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट के एक ही लोकेशन पर, पार्टिकुलर लोकेशन पर रहता है कैंसर। नॉन इन्वेसिव, कैंसर से ब्रेक थ्रू नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू बैरियर एंड स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ नोड्स। से नॉन इन्वेसिव क्या है कि वो ब्रेक थ्रू कर जाता है ब्रेस्ट के टिश्यूज से, वो स्प्रेड हो जाते हैं दूसरे बॉडी के पार्ट्स में ब्लड के थ्रू या लिम्फ नोड्स के थ्रू। इंट्रालोब्यूलर ट्यूमर, ट्यूमर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, लोब्यूल्स, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। इन्वेसिव वही है कि पार्टिकुलर पोजिशन पर रहता है या पार्टिकुलर लोकेशन पर रहता है, और नॉन इन्वेसिव यानी कि वो वहाँ से स्प्रेड हो जाते हैं दूसरे बॉडी पार्ट्स में या लिम्फ नोड्स में। से डक्ट्स, DCIS, डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। ये हमारे पास ये डक्ट्स, यहाँ पर ब्लॉकेज का अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है जो कि डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। लोकलाइज्ड, और ये हमारे पास इन्वेसिव। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, फीमेल अबाउट 45 ईयर्स और मोर विच हैव पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। अगर 45 ईयर्स उसकी एज है फिर भी उसको हो सके वो रिस्क फैक्टर पर है, या उसकी अगर कोई फैमिली हिस्ट्री के, फैमिली हिस्ट्री में किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो पहले। अर्ली मेनोपॉज, सही है, मेंस्ट्रुअल पीरियड जो स्टॉप हो जाते हैं तो उसको मेनोपॉज कहा जाता है। इंक्रीजिंग एज, एज के साथ हाई फैट डाइट अगर लेते हैं, लेट मैरिजेज अगर करते हैं, लेट मेनोपॉज, ओबेसिटी, मोटापे की वजह से, अल्कोहल इनटेक, यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी। कॉजेज क्या हो सकते हैं, नो एक्चुअल कॉज बट सम आर हार्मोनल चेंजेस, हेरिडिटी, केमिकल, रेडिएशन एंड ओबेसिटी। साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, मास पेनलेस, 50% मास आर लोकेटेड इन अपर क्वाड्रेंट, अपर क्वाड्रेंट में 50% मास पाए जाते हैं जो कि पेनलेस होता है। निपल डिस्चार्ज में भी ब्लड और सीरम, ब्लड या सीरम निकलता है निपल डिस्चार्ज से। ब्रेस्ट एसिमेट्री, सिमेट्री बराबर नहीं रहती। ऑरेंज पील्स के स्किन हो जाती है, डिम्पलिंग ऑफ स्किन,
निप्पल रिट्रैक्शन, यलेट साइन, पेन, अल्सरेशन, एडिमा, ये ब्रेस्ट हैं। लम्प्स, लम्प्स बन जाते हैं, या निप्पल डिस्चार्ज और डिम्पलिंग, ये जो सर्कल ये किया हुआ है डिम्पलिंग, या मैं ब्रेस्ट और निप्पल पेन, निप्पल रिट्रैक्शन और इन्वेजन, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग, लिम्फ नोड चेंजेस, चेंजेस टू द स्किन टेक्सचर। ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजेस हमारे पास होते हैं, स्टेज वन में सी नो कैंसर और लिम्फ नोड्स वेरी स्मॉल इनसाइड द ग्लैंड। सी स्टेज वन में क्या होता है, 2 सेंटीमीटर तक और लेस देन 2 सेंटीमीटर नो कैंसर, और स्टेज टू में हमारे पास 5 to 2 सेंटीमीटर तक होगा अफेक्टेड बाय कैंसर। स्टेज थ्री में 5 सेंटीमीटर एंड लार्जर, उससे लार्जर होता है और ये कैंसर यानी कि कैंसर में होता है। स्टेज फोर में क्या है, एनी साइज होता है अफेक्टेड बाय कैंसर। फोर स्टेजेस है। डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन में क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं या मेमोग्राफी, बायोप्सी और एस्पिरेशन, चेस्ट एक्सरे फॉर मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है, अगर दूसरे ऑर्गन्स में या बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड तो नहीं हुआ तो उसके लिए करवाते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर अर्ली डिटेक्शन, एक्सिलरी नोड सैम्पलिंग। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आता है, हमारे पास लम्पेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट लम्प, जो कि लम्प या ट्यूमर बना होता है उसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, या पार्शियल मैस्टेक्टमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर विदाउट नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यू बिनाइन। से जो पार्शियल मैस्टेक्टमी क्या है कि उसको रिमूव किया, सर्जरी के जरिए ट्यूमर को रिमूव किया जाता है सराउंडिंग टिश्यूज विदाउट सराउंडिंग टिश्यू के अलावा। टोटल मैस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ इंटायर ब्रेस्ट को रिमूव किया जाता है, या मेमोप्लास्टी, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट। रेडिकल मैस्टेक्टमी, रिमूवल ऑफ इंटायर ब्रेस्ट, पेक्टोरल मसल्स और एक्सिलरी नोड्स को भी साथ में हटा दिया जाता है। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकते हैं, नर्व इंजरी या लिम्फेडेमा, स्वेलिंग इन आर्म्स एंड लेग्स, हेमोरेज मतलब एक्सेसिव ब्लीडिंग। रेडिएशन थेरेपी से रेडिएशन सेल्स स्टॉप रिप्रोडक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एक्सरे के जरिए या इंटरनल इंजेक्शन, ओरली और इम्प्लांटेड रेडियो एक्टिव मटीरियल इनसाइड बॉडी। कीमोथेरेपी से इसका ट्रीटमेंट किया जाए। द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय द यूज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, द टर्म इज इंक्रीजिंगली रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विद एंटी मेटाबोलाइट्स एंड सिमिलर ड्रग्स, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। कीमोथेरेपी इज द यूज ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग टू प्रमोट ट्यूमर सेल डिस्ट्रक्शन बाय इंटरफेयरिंग विद सेलुलर फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स वेरियस कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स एंड हॉर्मोन्स। एग्जाम्पल आगे देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास अल्काइलेटर्स, साइक्लोफोस्फामाइड, ओरली आई वी। एक्शन इसका क्या होता है, इट स्टॉप्स कैंसर सेल्स टू ग्रोविंग एंड इंटरफेयरिंग विद डीएनए। से स्टॉप्स कैंसर सेल की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करता है और डीएनए से उसको इंटरफेयरिंग से रोकता है। एंटीबायोटिक्स ब्लेओमाइसिन, IV, IM, and SC। एक्शन इसका क्या होता है, डैमेजेस एंड डिस्ट्रॉयज कैंसर सेल, डैमेज करता है, डिस्ट्रॉय करता है कैंसर्स के सेल्स को। एंटी मेटाबोलाइट्स, एग्जाम्पल मेथोट्रेक्सेट या फ्लोरोयूरासिल। एक्शन इसका क्या होता है, दे इंटरफेयर विद सेल ग्रोथ, सेल ग्रोथ के प्रोसेस में ये इंटरफेयर करते हैं ताकि वो ग्रोथ ना कर सकें। साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी क्या होता है, एलोपेशिया, हेयर फॉल, डायरिया, लूज मोशन, वेट गेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फैटीग, स्टोमाटाइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड लिप्स, एनीमिया, रेड ब्लड सेल्स लोअर देन नॉर्मल लेवल। हार्मोनल थेरेपी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन फॉर ब्रेस्ट कैंसर किए जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, द प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज यूजिंग एजेंट्स दैट मे मॉडिफाई द इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करता है वो इम्यूनोथेरेपी के जरिए किया जाता है। इट इज़ लार्जली एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, स्टडीड मोस्ट वाइडली इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमियाज, मेलेनोमा, मोस्ट डेंजरस स्किन कैंसर जो होता है, एंड हाइपरनेफ्रोमा, रेनल सेल कार्सिनोमा। इन कैंसर इम्यूनोथेरेपी अटेम्प्ट्स टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू रिजेक्ट एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स।
इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स एग्जांपल साइटोकाइनेस या कीमोकाइनेस एंड इंटरल्यूकाइनेस। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज से जो कि ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू यानी कि जिसमें हमारा बोन्स इसी एग्जांपल में आ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं, हीमाटोमा कलेक्शन ऑफ ब्लड आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल। ये सेकेंड नंबर लिम्फेडेमा जो स्वेलिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग्स स्वेलिंग हो जाती है। नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या कहेंगे, प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट टू द पेशेंट, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट क्या बोलेंगे। अवॉइड मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड पार्ट, जो पार्ट अफेक्टेड हुआ है उसको ज़्यादा मूवमेंट का नहीं वो अवॉइड करेंगे। अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग, ज़्यादा भारी चीज़ें उठाने से मना करेंगे। वाउंड केयर, वाउंड की अच्छी तरह देखभाल करेंगे। प्रोवाइड प्रॉपर डाइट, प्रॉपर डाइट पेशेंट को देंगे। हेल्थ असेसमेंट करेंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू पेशेंट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को देंगे। Thank you. Hope you like it.